प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग भारत देश का 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। टुडे इज़ आवर कंट्रीज 74th इंडिपेंडेंस डे। और आज हम लोग इस महान दिन को धूमधाम से अपने अपने सुविधानुसार मना रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग इस कोरोना वायरस के काल में जो दिनों से गुजर रहे हैं, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस अपने घर में मना रहे हैं, अपने शुभचिंतकों के साथ अपने गली मोहल्लों में मना रहे हैं। आज लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने झंडोत्तोलन किया है और एक भारत को न्यू विजन, न्यू मिशन दिया है। और ये नया भारत जो आज से 74 साल पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, इस नींव पे रखा गया था कि भारत सभी जाति, सभी धर्मों को, लोगों के लिए, सभी राष्ट्र को, जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, उन सबों को एक जोड़ के रखने वाला देश स्थापित होगा, जहां ना कोई भेदभाव होगा और जहां ना कोई रंग भेद होगा। आज हम लोग देखते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी, साउथ अफ्रीका जैसे बड़े देश में भी रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद पाया जाता है। और आज हम लोग देखते हैं कि भारत देश जो इतने सारे विभिन्न जातियों, इतने सारे विभिन्न धर्मों के लोगों को जोड़कर बना है, आज भारत किस मुकाम पर है और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। आज भारत विश्व में 5वें नंबर की इकोनॉमी है, आज हम लोग देखते हैं। तो आज सबसे पहले, शुरुआत करने के पहले, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत देश आज़ाद रहे, हम सब यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, और ईश्वर की इच्छा जो भी होगी सभी राष्ट्रों के लिए, हमारे भारत के लिए, विश्व भर के लिए अच्छी होगी। तो आज जो हमने ये लाइव कार्यक्रम करने का सोचा है, हर एक इंसान, हर एक इंडियन सिटीजन, हर एक भारतीय जो आज गर्व से भारत का सिटीजन होने को अब महसूस कर रहा है और इस गौरव के पल को जी रहा है, आज एक छोटा सा गीत हम लोग गाएंगे और भारत देश की महान स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ आज से 74 साल पहले, हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया है, आज उन सबों को हम लोग याद करेंगे और उनके जीवन के कुछ पहलुओं से हम लोग देखेंगे कि B.R. अम्बेडकर साहब ने जब भारत देश को बनने के बाद जो नींव रखी थी, आज हम लोग जो भारत देश जो तरक्की कर रहा है और आज विश्व के 5वें नंबर की इकोनॉमी है और मिलिट्री में 2रे नंबर की मिलिट्री है और आर्म्ड फोर्सेस में, एयर फोर्सेस में, नेवी फोर्सेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, रॉ मटेरियल में, किसी भी चीज़ में आज भारत देश पीछे नहीं है। परंतु बड़े बड़े देश आज भारत से संगति कर रहे हैं। आज इज़राइल जैसा देश भारत की ओर रुख कर रहा है, आज इज़राइल की भारत से दोस्ती है। आज चाइना जैसे देश भारत के साथ व्यापार संबंध कर रहे हैं। आज अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश भारत के साथ संबंध रख रहे हैं और अपने व्यापारिक संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। और आज भारत एक विश्व में एक महान मुकाम पर पहुंच चुका है, हम लोग देखते हैं। तो आज जो आज़ादी दिवस है, हम लोग बातें, कुछ बातें देखेंगे बाइबल से कि आज़ादी क्या होती है और हम लोग गुलाम क्यों बनते हैं, और जब हमें आज़ादी मिलती है तो फिर हम गुलाम ना बने, बीते दिनों से, बीते पलों से, बीते लम्हों से और बीते सालों से हम लोग सीख कर आगे बढ़ें और इस आज़ादी को कोई हमसे फिर दोबारा छीन ना ले और हम आत्मनिर्भर बन के और आज़ाद बनकर अपने देश के तमाम नागरिकों को जोड़कर और विश्व भर के लिए एक मिसाल बनकर भारत को पेश करें। तो आइए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है, जब हम लोग पाप करते हैं, जब हम लोग गलतियां करते हैं, तो हम लोग पाप के गुलाम बन जाते हैं और ये ईश्वर प्रतिकार के रूप में हमें दंड देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एक कहावत है, एक बिब्लिकल स्टेटमेंट है, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अगर एक घर में लोग लड़ेंगे तो वो घर कभी स्थिर नहीं हो पाएगा।
तो हम लोग देखते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होना बहुत ही अच्छी बात है, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, सबका एक विचार संसद में, हर एक स्टेट से लेकर सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर राज्यसभा लोकसभा में होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। तो हर एक विचार, जो भी निर्णय हो रहा है संसद में, जो भी निर्णय हो रहा है विधानसभा में या विधान परिषद में, उन सभों में हमारा कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर, हमारा रोल प्ले है। परंतु यदि ये विचार, भले हमारे आपस में मतभेद हो, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। यदि हमारे विचार देश की एकजुटता के लिए हैं, यदि हमारे विचार देश को आगे ले जाने के लिए हैं, तो हम देश के सच्चे देशभक्त हैं। परंतु यदि हमारे विचार मतभेद के साथ, भारतीय लोगों के साथ यदि मनभेद हो जाए, जो इतने विभिन्न जाति या विभिन्न धर्मों को लेकर बना है, तो ये राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। और इसी बात का फायदा हम लोग जानते हैं, ये मोहल्ले मोहल्ले घर घर की कहानी है। यदि आपके घर में लोग अलग अलग विचार के हों, अच्छी बात है, सबकी बातों का महत्व होना चाहिए, सबकी बातों का महत्व रखना चाहिए। और एक निर्णायक कदम जो परिवार का मुखिया होता है, उसको उस अनुसार उठाना चाहिए, जो परिवार के बेहतरी के लिए हो और हर एक सदस्य की बेहतरी के लिए हो। उसी प्रकार जो हमारा भारत देश है, यहाँ संविधान के अनुसार चलता है, संविधान की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति है, संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और सरकार को चलाने के लिए केंद्र सरकार है, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य स्तर पे विधानसभा है, विधान परिषद है, जिला स्तर पे हम लोग देखते हैं पार्षद है। तो हम लोग अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, हम में मतभेद हो सकते हैं, परंतु यदि हम भारत देश के सच्चे नागरिक हैं, तो हम में कभी मनभेद नहीं होना चाहिए, हम में कभी रंगभेद नहीं होना चाहिए, हम में कभी लिंग भेद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारत देश के नागरिक हैं। और जब हम लोग भारत को अपनी माता के तुल्य कहते हैं, तो भारत माता की आत्मा हम सब में होनी चाहिए। और जब हम लोग भारत माता की आत्मा के संतान हैं, तो हम लोग एक हैं, हम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई फारसी हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई यहूदी हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, परंतु हर एक जन भारत का नागरिक है। और उसके सोच, उसकी विचारधारा जो भारत देश को आगे ले जाने के लिए, उसका इस लोकतांत्रिक ढांचा में स्वागत है। और जो संसद का जो मूल ढांचा है, वो इसीलिए बना है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, विश्व भारत को सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में देखती है और अचंभा करती है कि कैसे इतना विशाल देश, जो जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है चाइना के बाद, और इतना विभिन्नताओं होने के बाद भी, इतने रीजनल लैंग्वेजेस होने के बाद भी, इतने विभिन्न कल्चर होने के बाद भी, इतने विभिन्न खान पान होने के बाद भी, इतने विभिन्न धर्म के लोगों के रहने के बाद भी, आज भारत इतना प्रगति कर रहा है। ये प्रगति की नींव कब रखी गई? जब हमारा भारत देश आजाद हुआ। हमें यह कभी नहीं भूलना है, 15 अगस्त 1947 को हमने लगभग 200 साल से ऊपर जो गुलामी रही अंग्रेज शासकों की, हमें याद रखना है कि हम गुलाम किस कारण से हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे राजाओं को लड़वाया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया और हमारा घर टूट गया। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान और तमाम देश जो हमारे देश की प्रगति से जलते हैं, जो हमारे देश की तरक्की से जलते हैं, वो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। वे हमारे घर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं। परंतु तीसरा पक्ष, दूसरा पक्ष हमारा फायदा कब उठाते हैं? जब हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। तो आज के स्वतंत्रता दिवस मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी इस बात को याद रखें कि हमने कितना स्ट्रगल किया है, हमने कितना संघर्ष किया है, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादाओं ने कितना संघर्ष किया है हमें पालने पोसने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून और पसीना दिया है हमारे देश को आजाद करने के लिए। महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिया। भगत सिंह एक युवा के रूप में अपने आप को फांसी पर दे दिया, मृत्यु भी सह ली। तो इतने बड़े बड़े लोगों का कुर्बान है, उन्होंने अपने प्राणों से प्रेम नहीं किया, परंतु अपने राष्ट्र से प्रेम किया, राष्ट्रहित को देखा। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हम लोग भी देश प्रेम रखें, देशभक्त रहें
और राष्ट्र प्रेम को सबसे ऊपर रखें। हम लोग किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये आस्था का विषय है, परंतु हम सब भारत देश के नागरिक हैं, ये राष्ट्र का विषय है। राष्ट्र संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा, राष्ट्र सरकार से चलता है, जनता के चुनी सरकार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनी हुई सरकार से चलता है और सरकार से चलेगा। आज भारत में हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन वैसा है, सरकार करे भी तो क्या करे। परंतु इन घटनाओं के कारण, आज जो कोविड 19 महामारियां हो रही है, इसके कारण लूटपाट, चोरी, छीना झपटी और हत्याओं की वारदातें बहुत ही बढ़ रही हैं, और छेड़खानी और तमाम वारदातें बढ़ रही हैं, और आज कोई भी सेफ महसूस नहीं करता। एक तो कोरोना वायरस की महामारी है, प्लस बेरोजगारी इतनी है, भूखमरी इतनी है, लोग विवश हैं, लोग जानबूझ के नहीं करते, लोग विवशता में करते हैं और पाप और उसका फल मृत्यु, बुराई में पड़ जाते हैं, पाप के दासत्व में चले जाते हैं। तो हम लोग बाइबल में देखते हैं एक राष्ट्र, एक देश गुलाम कब बनता है। इन बातों को बताने के लिए आइए हम लोग इज़राइल राष्ट्र का जिक्र करेंगे। इज़राइल वो राष्ट्र है जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जिसको बाइबल भूमि कहा जाता है, पवित्र भूमि कहा जाता है, बाइबलिकल लैंड के नाम से जाना जाता है, और भविष्यवक्ताओं का जन्म और यीशु मसीह का जन्म और सारे भविष्यवक्ता नबी जो आए, जो बाइबल में दर्ज है, वो सारे इज़राइल के थे। तो हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधते हैं और इज़राइल को चुना हुआ राष्ट्र बनाते हैं, कि परमेश्वर इज़राइल के द्वारा सारे जगत को, सारे विश्व को बुलाएंगे, आशीषित करेंगे, इज़राइल एक अगुआ बनेगा। परंतु जब इज़राइल परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की वाचाओं को नहीं रखता, उनके इच्छा के विपरीत काम करता है और अपनी समझ के अनुसार चलता है, उनको नियम और कानून दिए गए थे, जब वो लोग नियम और कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वो श्राप जो उसमें दर्ज था, वो आशीष जो उनमें दर्ज था, उसके अनुसार उनको फल मिलता है, और मिस्र में वो 430 साल के लगभग गुलामी खटते हैं, और परमेश्वर उसके बाद उनको मूसा नबी के द्वारा निकाल ले आता है। इसी के कुछ सदियों बाद हम लोग देखते हैं इज़राइल द्वारा बेबीलोन की गुलामी में जाता है, और फिर उस समय परमेश्वर उनको उनके अपराधों का दंड देते हैं, उनको सबक देते हैं, और बाद में अपने ही पवित्र नाम के लिए निकालते हैं, कि इज़राइल जाने कि यदि हम लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग दंड पाएंगे। परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, वो ये प्रकट करना चाहता है सारी जातियों के सामने कि परमेश्वर दयालु है, जब हम अपनी समझ के अनुसार चलते हैं तो वह हमसे क्रोध तो करता है, परंतु उनकी दया और करुणा जो मनुष्य जाति पर है, सारी सृष्टि पर है, क्या पशु पक्षी इंसान, वो सबसे प्रेम करता है और वो सबका उद्धार चाहता है, सबको बचाना चाहता है, और इसीलिए वो छुड़ाता है मिस्र से, बेबीलोन से, कि इज़राइल क्या सारी जाति इस बात को जाने कि इज़राइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसने गलती के लिए इज़राइल को दंड तो दिया, परंतु वो प्रेम करता है, वो प्रेम से प्रसन्न होता है, वो दया करुणा का परमेश्वर है, वो कृपा का परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, और वो सदा हमसे क्रोधित नहीं रहता है। तो हम लोग देखते हैं इस उदाहरण से, हम लोग अपने भारत देश को देख सकते हैं। भारत देश, हम अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही कमियों के कारण, आपस में ही भाईचारा ना रख पाने के कारण, एक राजा दूसरे राजा से लड़ने के कारण, धोखा देने के कारण, और जैसा एक जयचंद का उदाहरण है, धोखा पकड़वाने के कारण, हम लोग तमाम घटनाओं में देखते हैं हमारा भारत राष्ट्र गुलामी में गया। हमारे विरोधी, हमारे पड़ोसी, ऐसा नहीं कि हमसे बलवान थे या हम में सामर्थ्य नहीं था, परंतु हम, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड, इस कहावत के अनुसार हमारा घर टूटा था और हम गुलामी में गए थे, और हम जो अपने ही देश में रहा करते थे, भारत देश में, हम अपने ही दाने के लिए मोहताज थे, हम अपने ही सभ्यता को जीने के लिए मोहताज थे, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि कैसे आत्मनिर्भर बनने के लिए महात्मा गांधी ने उन पश्चिम सभ्यता के वस्त्रों का विरोध किया था, कैसे उन्होंने डांडी मार्च किया था, कैसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन किया था, कैसे डू और डाई का स्टेटमेंट दिया गया था कि हम देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, और कैसे महान महान स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
तो यदि हम लोग एक देश के हैं, एक राष्ट्र के हैं, भारत देश के हैं, तो हमारा खून एक है। हम अलग विचार के हो सकते हैं, अलग धर्म जाति के हो सकते हैं, हम में मतभेद हो सकते हैं, परंतु कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारा हर एक विचार जो संसद में है, एमपी लोगों के द्वारा, हमारा हर एक विचार जो विधानसभा विधान परिषद में है, गली मोहल्लों में है, पार्षदों के, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सभी हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो आज का जो स्वतंत्रता दिवस का संदेश है, जो हम देना चाहते हैं, इसका मूल विषय है प्रेम। यदि हम आपस में प्रेम बनाए रखेंगे तो हम आजाद रहेंगे। यदि हम अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने राष्ट्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए जान से बढ़कर प्रेम करेंगे तो हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। यदि हम राष्ट्रभक्ति करते हैं, यदि हम देशभक्ति करते हैं, तो हम अपने राष्ट्र के हर एक इंसान से प्रेम करेंगे। और जैसा भारत कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत देश एक अगवा बने, एक अगुवाईकर्ता बने, प्रेम को प्रकट करें। कैसे यहाँ लोग, अलग अलग लोग, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग कस्टम रिवाजों के लोग मेल प्रेम से रहते हैं, और एक हम लोग उदाहरण पेश करें भारत को दुनिया भर के लिए, और हमारे सभ्यता से, हमारे विचार से, हमारे कर्मों से, जो विस्तारवादी देश है चाइना, जो आतंकवादी देश कहा जाता है जिनको, वो सब सीखें कि किसी को मारने से या किसी को चोट पहुंचाने से या अपने साम्राज्य को विस्तारवाद करने से संसार में शांति नहीं आती। परंतु आज भारत जैसा देश, जो नेपाल की, जो श्रीलंका की, जो म्यांमार की, जो इंडोनेशिया की, जो अफगानिस्तान की मदद करता है, जो अपने उस शिक्षा को याद करता है कि सारा समाज, सारा विश्व एक धरोहर है और एक परिवार है, इस परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, जितने भी 240 देश के लगभग हैं, ये सब एक परिवार के सदस्य हैं, हमें याद रखना है। और उसी प्रकार भारत में जितने भी धर्म जाति के अलग अलग लोग हैं, हम सब एक परिवार हैं, हम सब मेल प्रेम से रहें और अपने विचारों को देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम में निछावर करें, और तभी हमारा राष्ट्र एक अग्रणी देश आगे बनेगा, आगे बढ़ेगा। आज भारत को तमाम बातों से रूबरू होना पड़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा का संकट है, कोरोना वायरस का संकट है जो विश्व पर है, इकोनॉमी का संकट है, परंतु जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन में कहा, सामर्थ्य हम में है, बल हम में है, ईश्वर की कृपा हम में है, ईश्वर का भरोसा के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग, जैसे कि हमने कहा है कि परमेश्वर के वचन से हम लोग आज के स्वतंत्रता दिवस को देखेंगे, तो मैं एक मसीही परिवार से आता हूं, तो मसीह की शिक्षा का वर्णन करना चाहता हूं, और मसीह ने मेरा जीवन कैसे उद्धार किया। मैं भी पाप की गुलामी में था, पाप के जंजीरों में था, इसको मैंने अपनी गवाही में पहले शेयर किया है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और हमारा यूट्यूब चैनल है ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड में, मैं उसका लिंक इस फेसबुक में शेयर कर दूंगा यदि किसी को नहीं मिला है तो। तो कैसे मैं भी पाप के बंधन में था, परंतु कैसे परमेश्वर ने मेरे अगुवाई किया और कैसे मुझे पाप के बंधन से निकाला। उसी प्रकार हमारा भारत देश जो पाप के जंजीरों में था, परंतु कैसे परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया और पाप के जंजीरों से निकाला। और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग उस मुकाम पर हैं, उस स्थान पर हैं कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो हम में से हर एक कोई जो भारत देश का नागरिक है, अपने आप को राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने आप को देश निर्माण के लिए अपना खून, अपना मांस समर्पित कर दे, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो इकलौता पुत्र है, उसने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया और अपना मांस और लहू हमारे लिए बहा दिया। तो उसी प्रकार हम सब भी अपना मांस और लहू परमेश्वर की सेवा के लिए बहा दें, अपने आप को परमेश्वर के लिए निछावर कर दें और अपने हृदयों को, अपने मनों को परमेश्वर को सौंप दें, वही हमारा उद्धार करेंगे। आइए एक छोटा सा गीत गाएंगे और हम लोग यीशु मसीह की शिक्षा को देखेंगे, कैसे उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया है। तो एक गीत गाएंगे और इस वीडियो मैसेज को समाप्त करेंगे। ए वतन हमको तेरी कसम,
तेरी राहों में आ तक लुटा जाएंगे ऐ वतन। तो हर एक कोई अपने वतन को याद रखे, और याद रखे कि परमेश्वर प्रेम है। अपने देश से हम लोग प्रेम करें, अपने राष्ट्र से हम लोग प्रेम करें, हर एक नागरिक से हम लोग प्रेम करें, भारत देश को आगे ले जाएं और एक मन एक हृदय होकर भारत देश को ऊंचाई तक ले जाएं। और यीशु मसीह का जो संदेश क्रूस पर हमें मिलता है बाइबल से, त्याग बलिदान की, सेवा भाव की और सबको क्षमा करने की, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई भाई आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे को क्षमा करें। जो भी भारत में हिंसा थोड़ी मोड़ी जो होती है, हम सब आज स्वतंत्रता दिवस में प्रण लें कि हम लोग किसी हिंसा में भाग ना लें, हम लोग किसी भी ऐसे काम में भाग ना लें जो देश विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, जो परमेश्वर विरोधी है। और अपना रोल मॉडल हम लोग महात्मा गांधी को लें देश के लिए, और आत्मिक रूप से यीशु मसीह को लें जिन्होंने अपने आप को सेवा के लिए दे दिया। तो हर एक को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आमीन।